पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सेवा ही संगठन के तहत आज महानगर के रामलीला मैदान से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना था। मोटरसाइकिल रैली का झंडा दिखाकर शुभारंभ नगर विधायक रितेश गुप्ता ने किया और लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, वो खुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। साथ ही कहा गया कि किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें, सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक कमल गुलाटी, राहुल सेठी, महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा धर्मेश सैनी, संजीव चौहान, दिनेश सिसोदिया, दीपक सैनी, राजेश गुप्ता, महामंत्री सिद्धार्थ शर्मा, मंत्री विकल कुमार, मंत्री सार्थक गुप्ता, मंत्री विजय ठाकुर, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, मंडल अध्यक्ष विक्की अरोड़ा, मंडल उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर, मंडल मंत्री शिवम ठाकुर, नितिन सैनी, शानू मिश्रा, हितेश सैनी के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत ये वैक्सीन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई आज, जिसके इसका हमें एक मेन उद्देश्य और मेन संदेश यह है कि लोग जितने लोग वैक्सीन लगवाने से रह गए हैं वो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, क्योंकि आपने दूसरी लहर में देखा ही होगा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो ज़्यादा पीड़ित हुए थे उस चीज़ से। लेकिन अब प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यही किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन सेंटरों पे देखो हमारे कैंप लग रहे हैं, हेल्प डेस्क लग रही हैं और तरह तरह के रजिस्ट्रेशन के कैंप लग रहे हैं। इसी क्रम में आज ये जागरूकता बाइक रैली निकाली गई थी। कोविड वैक्सीन जागरूकता अभियान विधिवत तरीके से शुरू किया गया है। क्षेत्र से हमारे पास संदेश आया था कि जन जन तक वैक्सीन लगवाने का अभियान हमें चलाना है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत लाइन पार के रामलीला ग्राउंड से हमारे महानगर के नगर विधायक आदरणीय श्री रितेश कुमार गुप्ता जी ने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाकर इस रैली को शुभारंभ किया था, जिसमें हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्रनाथ मिश्रा जी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में हमारे महानगर के महामंत्री आदरणीय श्याम बिहारी शर्मा जी और इस कार्यक्रम में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेश सैनी जी, लाइन बार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे संजीव चौहान जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा ही संगठन की इस कड़ी में वैक्सीन जागरूकता अभियान की आज विधिवत आदरणीय महानगर विधायक श्री रितेश कुमार गुप्ता जी बड़े भाई जी के द्वारा ये आज रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली का मुख्य कारण मुख्य विषय यही है कि हम जहां पे भी हमारी वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उन लोगों को वैक्सीन लग जाए, जिससे आने वाले समय में उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सके और इस कोरोना से लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ाई जा सके। तो सभी लोगों से कहूँगा, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और वो अपनी जो है जहाँ पे भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, अगर बीमारी से बचना है, तीसरी वेव से बचना है। और यही मैं आपसे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। बाकी धन्यवाद। धन्यवाद भाई अंकित जी। आज का जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मेरे युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई धर्मेश सैनी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आभार कि उन्होंने युवाओं की टोली बनाई और बहुत अच्छा सुंदर भव्य कार्यक्रम किया। हमारे महानगर के महामंत्री भाई कमल गुलाटी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, भाई राहुल सेठी जी मीडिया प्रभारी हैं जो कार्यक्रम में सह संयोजक हैं, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएँ कि आपने भव्य कार्यक्रम किया है। और जहाँ हम चेस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संजीव चौहान जी, उनका ही सब प्यार, आशीर्वाद, बच्चों को शुभकामनाएं मिलती रहती हैं, उनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ है, उन्हें बहुत धन्यवाद, आभार। आज जो कार्यक्रम है सेवा ही संगठन है,
इसके तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नर सेवा नारायण सेवा के तहत काम करती है और करती रहेगी। जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं। आज जो महामारी फैली है, तीसरी वेव आने वाली है, उस वेव को आने से रोकने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, वो कोविड वैक्सीन का है, कोविशील्ड वैक्सीन का है। जो वैक्सीन लगवाएंगे वो सुरक्षित हैं, उनकी जान जोखिम में नहीं है। तो आज इसी उद्देश्य को लेकर युवा मोर्चा द्वारा एक रैली निकाली गई है, जन जागरूकता रैली है। इसका उद्देश्य आम जन को ये बताना है कि भैया वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन सुरक्षित है और यही बचाव का एकमात्र उपाय है। तो भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है, इसके तहत काम करती रही है, करती रहेगी और आगे भी करती रहेगी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।